2014 के बाद से हमने देखा है कि पत्रकारिता कैसे दक्षिण दिशा में बस जा रही है, कैसे पाताल लोक की तरफ चली गई है। और पत्रकारिता किसको कहते हैं शायद हमें भी अब याद नहीं है, लेकिन याद रखने का काम हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कई पत्रकार हैं जो अब YouTube चैनल में पहुँच कर बहुत बढ़िया पत्रकारिता करते हैं, ठीक वैसे जैसे वो TV मीडियम पे करते थे और कई प्रिंट मीडियम में करते थे। याद करूँ तो अभिसार शर्मा, कैसे उनको उनकी पत्नी को तंग किया गया, और आज जिस तरीके की वो पत्रकारिता करते हैं वो और भी मजबूत है, पहले से भी ज़्यादा मजबूत और बहुत अच्छी, क्योंकि निडर पत्रकारिता इसी को कहते हैं। दूसरा नाम याद आता है अजीत अंजुम का, वो कितनी बढ़िया पत्रकारिता करते हैं किसान आंदोलन के दौरान, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से किसानों की बात आप और मेरे सामने लाकर रखी। पुण्य प्रसून वाजपेयी मास्टर स्ट्रोक करते थे, जिसको बाद में वही गोदी मीडिया वाली पत्रकार करने लगी थी, फिर बाद में वो दूसरे चैनल में चली गई, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी का अगर आज भी आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो वो तथ्यपूर्ण बात करते हुए दिखते हैं और कितनी मजबूती से अपनी बात रखते हैं, आपके पास फैक्ट्स आ जाते हैं, पूरी रिसर्च होती है इन सब की, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, और रवीश कुमार जिन्होंने अपनी नौकरी तब छोड़ी जब अडानी ने NDTV को खरीद लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आवाज़ को बंद करना था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इंग्लिश वाले NDTV के चैनल से श्रीनिवास जैन ने नौकरी छोड़ी, निधि राजधान ने भी नौकरी छोड़ दी थी, पता चल रहा था कि दबाव कैसा है, और गोदी मीडिया ऐसे ही तो शब्द बना नहीं होगा। लेकिन एक अजब गजब की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा के टाइम से कोशिश ये हो रही है कि राहुल गांधी जी के जो पत्रकार वार्ताएं हैं उनको कैसे डिस्टर्ब करें, उसमें कैसे न्यूसेंस क्रिएट करें। एक पत्रकार जिनका नाम सुप्रिया भारद्वाज है इंग्लिश चैनल से, और उनको शायद ये कहा गया किसी पत्रकार वार्ता में कुछ सवाल ऐसे पूछने के लिए जो असहज करते राहुल गांधी को, या जो भी कारण रहा होगा, हो सकता है ये कारण ना भी हो, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद नाम आया सोहित मिश्रा का, वो NDTV से उन्होंने अभी नौकरी छोड़ी है। क्यों? क्योंकि संजय पुगालिया जो उनके मतलब इस वक्त बॉस हैं, उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी अपनी प्रेस वार्ता करें, जब मीटिंग चल रही थी इंडिया अलायंस की, तो उस वक्त उन्होंने जिस दिन प्रेस वार्ता करी उसको डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने ये करने के बजाय अपनी नौकरी छोड़ दी। सोहित मिश्रा और सुप्रिया भारद्वाज, काफ़ी समय से इनको मैं देख रही हूँ, और जब ये शुरू शुरू में आए थे तब से देख रही हूँ। अगर आप उनको देखेंगे, पुरानी इनकी वीडियोज़ देखेंगे, आप देखेंगे कि कितने कम उम्र में इन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से अपनी पत्रकारिता शुरू करी, रिपोर्टिंग कितनी अच्छी करी, और इनको आपको फॉलो करना चाहिए, इनको इनकी हौसला अफजाई आपको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ये खड़े हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे। दीपक शर्मा को देखिए, अशोक वानखेड़े को देखिए, ये वो भूमिका निभा रहे हैं जो आपको निभानी चाहिए। सरकार जब गलत करती है तो सवाल उठाना चाहिए, अगर पत्रकार ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश की जनता है, ये आपका धर्म भी है, यही आपका कर्म भी होना चाहिए, और इस धर्म और कर्म को निभाने का काम ये पत्रकार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी भारत माता के लिए तथ्यपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। आइए मिलकर इस फैशिस्ट रिजीम से लड़ें, इस तानाशाही सरकार को बताएं अब भी हमारी आवाज़ बाकी है, उठेगी आवाज़ जब जब करेगी तानाशाही सरकार।